हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन का जो डीवी चल रहा है रेलवे का, उसका फुल एक्सपीरियंस मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और मैं इस वीडियो में आप लोगों को जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे कैंडिडेट का चल रहा है वहाँ का मैं आप लोगों को अंदर के अंदर हॉल की वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप ये पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना जो डीवी का कॉल लेटर आया है रेलवे की तरफ से जारी किया गया है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद से मैं एक अपना सारा डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ आपको कौन कौन से लगे थे डॉक्यूमेंट, कैटेगरी वाइज भी और जनरल वाले भी। तो कैटेगरी वाइज में जैसे मेरा कैटेगरी था तो उसमें मेरा जो रेलवे का फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, उसका आप लोग प्रिंट निकलवाने का एनेक्सर नंबर वन शायद था, वो एनेक्सर नंबर वन ही था। उसको प्रिंट निकलवाने के बाद से आप अपने तहसीलदार तहसील में जाएंगे, तहसीलदार का सिग्नेचर उग्नेचर करवा कर, डीएम का सिग्नेचर करवा कर, उसे पूरा कंप्लीट फिल करके वो में आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप लोगों को याद रखना है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो रेलवे का ही फॉर्मेट में जो एनेक्सर नंबर वन है उस वही फॉर्मेट लगेगा, वही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें लिखा गया है। और उसके बाद वो एक हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, और दूसरा आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एडमिट कार्ड, और उसके बाद से आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद से आप लोगों को 10th क्लास की मार्कशीट, बस यही लगने वाली है तीन चार चीज़ अगर कैटेगरी से आप लोग हैं तो। और ओबीसी वालों में दो होता है को उन लोगों का कुछ एक्स्ट्रा लगता है ओबीसी कैटेगरी में। और उसके बाद जनरल वालों में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बस 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड यही लगने वाले हैं, और ओरिजिनल ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और इनके जीरोक्स कॉपी भी लेके जाने हैं। और फोटो हम लोगों के जोन में तो फोटो अंदर ही क्लिक करके प्रिंट आउट निकलवा लिया गया था, हम लोगों से फोटो नहीं लिया गया था, जो लगा था बस एक एडमिट कार्ड पे ही लगा था। तो डॉक्यूमेंट में ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद से आप लोगों को जैसे ही आप लोग अपने जो भी आप लोग एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा आप उस टाइम में रिपोर्ट कीजिएगा। रिपोर्ट करने के बाद से गेट पे रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से हमको गेट खुल जाता है और सारे लोगों को एंट्री मिल जाती है। और उसके बाद से पर डे जो डीवी चल रहा है पर डे 200 कैंडिडेट का डीवी चल रहा है। 200 कैंडिडेट में आप कुछ कैंडिडेट का मतलब कि 125 या फिर 150 कैंडिडेट का हमको लग रहा है जहाँ तक कि फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 8 बजे एग्जामिनेशन हॉल में अंदर बुला लिया जाती है, उसमें जहाँ पे डीवी चल रहा है उस हॉल में बुला लिया जाता है तो वहाँ पे। और कुछ कैंडिडेट जो रह जाते हैं उनको शाम को 2-3 बजे, जैसे कि हम लोगों का शिफ्ट में था तो हम लोगों को शाम को 2-3 बजे एंट्री तो 8 बजे ही मिल चुकी थी, लेकिन जब एग्ज़ाम ने जो कि हम लोग का डीवी हुआ वो करीब हुआ था 2-2 बजे, हम लोग का 4 बजे शाम को 3 बजे एंट्री मिला 3:30 बजे, और 3:30 बजे के बाद स्टार्ट हुआ डीवी हम लोगों का। तो और सुबह से लेकर के उन मतलब 6-7 घंटे लग गए थे टोटल डीवी कंप्लीट होने में। फर्स्ट बैच वाले सुबह 8 बजे ही एंट्री मिल चुका था एग्जामिनेशन हॉल में उन लोगों को, तो उन लोगों का डीवी चला था सुबह से लेकर 8 बजे से करीब लेकर के 4 बजे तक। और उसके बाद हम लोग 3:30 बजे एंट्री मिले, उसके बाद 4 बजे से करीब से लगभग हम लोग का भी 4 बजे के बाद से ही स्टार्ट हुआ था डीवी, और रात के तक हम लोगों का चला था डीवी 8-9 बजे तक करीब चला था हम लोग का डीवी। तो ये सब हुआ था। और उसके बाद से आप लोगों को सबसे पहले जब एंट्री कीजिएगा उसके बाद से आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिया जाएगा जहाँ पे आपका डीवी चल रहा होगा, और उस वहाँ का मैं अंदर का भी वीडियो दिखाऊंगा कैसे आप लोग लाइन वाइज से बैठे हैं और वहाँ का कैसे डीवी चल रहा है। तो उसमें जाकर सबसे पहले आपको ग्रुप में सेक्शन में बांटा गया होगा, जाइएगा तो आपको मेन गेट पर ही दिखाई दे देगा एक चार्ट जिसमें आप लोगों का नाम लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और आपका किस ग्रुप में है वो लिखा होगा। तो मेरा ग्रुप ए था, ग्रुप ए में लिखा गया था, मेरा ग्रुप ए था 27 नंबर पे। इसका भी मैं आप लोगों का फेस दिखा दूंगा, मैं कैमरे में फ़ोटो लिया हूँ, क्लिक किया हूँ उस दिन का। तो आपको ग्रुप वाइज जो हॉल है जहाँ पे डीवी चल रहा है वहाँ ग्रुप वाइज लाइन से बैठाया जाएगा आप लोगों को, और जिस ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं उसी ग्रुप के उनको उसी डेस्क पे जाना है, क्योंकि उस डेस्क के ऊपर लिखा गया है कि इस ग्रुप वाले यहाँ पे आएंगे, और वहाँ पे अपना सारा जीरोक्स लेके जाना है। और वहाँ पे ऑलरेडी आपका एक फ़ाइल बना हुआ है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म 2019 में फिल किए थे रेलवे का उसका आपका प्रिंट आउट नहीं भी है तो भी चलेगा, और वो जो डीवी का जो एक पोर्शन आपको वापस किया गया था और एक डीवी का सॉरी बोल रहे हैं और पीईटी का और एग्ज़ाम जब हुआ था कॉल लेटर का उसका एक नीचे वाला पोर्शन आप लोगों को वापस किया गया था वाला लगा नहीं हम लोगों का, वापस लेके चले आए हैं हम लोग, और ना ही हम लोग का लगा प्रिंट आउट, वहाँ पर ऑलरेडी से था एक जो फाड़ के एक रख लिया जाता है पीईटी के दौर एक कॉल लेटर का और एक उसका एग्ज़ाम के टाइम पे जो दिया गया था उसका एक फार कर रख लिया गया था आरआरबी के पास और आरआरसी के पास, और एक यहाँ पे हम लोग का जैसे कि टोटल कंप्लीट फुल
फॉर्म का 2019 वाला रेलवे का प्रिंट था उन लोगों के पास, तो एक फाइल में सारा कुछ करके रखा गया था और उसी फाइल को आप लोगों को दे दिया जाएगा, लाइन वाइज से बैठाया जाएगा और जैसे ही एक एक करके कैंडिडेट सारे जाएंगे डेस्क के पास, वहाँ से आपको फाइल दिया जाएगा। फाइल लेके जाएंगे, जैसे ही आप कैमरे में सबसे पहले आपका फ़ोटो क्लिक किया जाएगा और फोटो क्लिक करके प्रिंट आउट फोटो का प्रिंट निकलवाया जाएगा। 6x6 कॉपी वो लोग निकालेंगे, खुद वो लोग निकाल रहे हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देने पड़ रहे हैं। उसके बाद से प्रिंट फोटो का प्रिंट आउट उसके बाद से उसको जमा कर देंगे और उसके बाद से फिर आपको दोबारा से सीट पर आ जाना है और उसके बाद से फिर एक बार से बुलाएंगे तो आप लोगों को सारा कुछ अपना जीरोक्स डॉक्यूमेंट जितना कुछ है सारा जीरोक्स और ओरिजिनल दोनों लेके जाने हैं और लेके जाएंगे डेस्क में। सबसे पहले वो जीरोक्स और आप लोगों को वहाँ पर करीब एक दो फॉर्म देंगे, उसका फॉर्म का भी मैं आप लोगों को फोटो दिखा दूंगा इस वीडियो में, अभी साइड में आप लोग देख लीजिएगा। वो दो फॉर्म देंगे, एक फॉर्म आप लोगों को भरना करेगा सारा डिटेल्स कुछ रहेगा और एक फॉर्म दिया जाएगा आप डिवीज़न किस डिवीज़न में आप अपना जॉब ले लोकेशन के लिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन में टोटल 6 डिवीज़न थे, एक था लखनऊ डिवीज़न, बनारस डिवीज़न और उसके बाद इज्जत नगर था, उसके बाद से यार गोरखपुर हेड क्वार्टर था, गोरखपुर डिवीज़न नहीं था, और करीब हम लिखे हैं गोरखपुर लखनऊ बनारस इज्जत नगर और यही करीब था और एक था कोई दो था कोई करके याद नहीं आ रहा अभी, हम उसका भी प्रिंट आप लोगों के लिखा देख लगा देंगे ऊपर में, आप लोग देख लीजिएगा। और उस फॉर्म में जो भी डिवीज़न आप लोगों को फर्स्ट में रखना है, जैसे कि आप जिस डिवीज़न में आप लोग अपना जॉब लेना चाहते हैं उस डिवीज़न के सामने आप लोग एक सेलेक्ट करना था, जैसे कि एक लिख देना था कि आप लोगों को ये प्रेफरेंस हम लोग इस डिवीज़न का प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम इस डिवीज़न में हमको अपना जॉब चाहिए, वैसे ही करके आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिवीज़न थे और 6 डिवीज़न के आगे नंबर बैठा देने थे जिस अकॉर्डिंग आप लोगों को जॉब लें, जैसे कि एक भरे आपको एक में नहीं मिला तो उसके नीचे वाला दो में जिसको आप भरे होंगे तो दो में आप लोगों का देखा जाएगा सीट, उसमें शायद मिलता है, उसमें नहीं मिलेगा तीसरे में मिलेगा, बस लाइन से आप लोगों को नंबर वाइज करके डिवीज़न के सामने नंबर में लिखना है, यानी कि डिवीज़न के सामने टॉप में लिख दे डिवीज़न का ही नेम नहीं, डिवीज़न के सामने लिखना है आपको नंबर कौन से डिवीज़न को आप कितना प्रेफरेंस देना चाहते हैं किस नंबर पर। उसके बाद से आप लोग उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और दोनों फॉर्म फिल करने के बाद से आप लोगों को सिग्नेचर करवाया जाएगा, सिग्नेचर मस्ट है, सिग्नेचर करवाने के बाद से आप लोगों को इन सबों से इन सब प्रोसेस से पहले आप लोगों का बायोमेट्रिक भी होगा, दो जगह बायोमेट्रिक होगा, एक PET बायोमेट्रिक होगा और एक बायोमेट्रिक DV का होगा, दो बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जा रहा है, नॉर्मल कैंडिडेट का जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन सबका कोई टेंशन नहीं रह रहा है, सारे कैंडिडेट का ही आराम से बायोमेट्रिक हो जा रहा है, कुछ कैंडिडेट का फंस रहा है जो कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है उनके लिए भी कोई प्रोसेस रखा गया है, ऑफिस में लेके जाते हैं लोग कुछ सिग्नेचर वग्नेचर जो भी फॉर्म वॉर्म होता है भरवाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक हो जाने के बाद से आप लोगों को डेस्क पे लेके जाएंगे, डेस्क पे सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा आपका, जेरोक्स और एक ओरिजिनल दोनों सेट बनाया जाएगा और उसके बाद से उसके पीछे ही मेन ऑफिसर जो हैं वो लोग सारे ऑफिसर बैठे होंगे, उनमें उन ऑफिसर्स में भी ग्रुप वाइज बांटा गया है, वहाँ पे ग्रुप वाइज ABCDE करके हम लोग का 5 ग्रुप बना था, ABCDE करके 5 ग्रुप में लाइन से ही लिखा गया था और लाइन से मेन ऑफिसर बैठे थे जहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे चेक हो रहे थे उनके पास जाने के बाद, और उन्हीं के पास जो फाइल दिया गया था RRB की तरफ से आपका ओरिजिनल कलर प्रिंट आउट था, एप्लीकेशन फॉर्म का कॉल लेटर था, DV का थी उसका क्या बोलते हैं DV का भी कॉल लेटर उसी में रखा गया था और आपके डॉक्यूमेंट का जीरोक्स भी और दोनों फॉर्म जो डिवीज़न वाला फॉर्म था वो और एक फॉर्म था जिसमें आप लोग का सारा डिटेल्स कुछ भरा गया था वो और उसके बाद से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कॉल एग्ज़ाम कॉल लेटर का नीचे ऊपर वाला पोर्शन जो फाड़ के RRC रख ली थी वो और PET सारा कुछ फाइल में रखा गया था और उनके पास ओरिजिनल सारा चेक करेंगे, जो उनसे पूछना होगा पूछेंगे नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ मेन ऑफिसर ओरिजिनल वो उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी और उनके पास जो अच्छे लगेंगे वो अपने पास रख लेंगे और उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे करके वापस आप लोगों के अपने सीट पर वापस भेज दिया जाएगा और आपका DP कम्प्लीट हो जाएगा लास्ट उनके पास जाने के बाद जहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। तो मैंने अपना वीडियो इस वीडियो में तो मैं अपना फुल एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर किया और उसके बाद से कुछ देर तक आप लोगों को बैठाया जाएगा और बैठाने के बाद से आप लोगों को शाम के टाइम पे जब सारे कैंडिडेट कहें कि आपका कैंडिडेट आपका हो गया तो आपको बना दे होकर भेज दिया जाएगा, नहीं जब तक टोटल कैंडिडेट जितने एंट्री लिए हैं एग्ज़ाम हॉल में जो कि DV हॉल में जब तक उन सभी कैंडिडेट का हो नहीं जाएगा तब तक आप लोगों को किसी भी कैंडिडेट को वापस नहीं किया जाएगा ना उस हॉल से बाहर आने दिया जाएगा। जब सारे कैंडिडेट का हो जाएगा तो उसके बाद से
मेडिकल मेमो के लिए आपको फाड़ के स्लिप दिया जाएगा कि किस रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल चलने वाला है। उसके लिए आप लोगों से गोरखपुर जोन में 16 रुपये चार्ज किए गए थे, जो कि हम लोग को स्टेशन पर जाकर कटाना नहीं था, डायरेक्ट वहीं जहाँ हम लोग का डीबी हुआ, हम लोगों से आए, 16 रुपये ले लिए और मेडिकल मेमो हम लोग को दे दिया गया। 16 रुपये मेडिकल मेमो के लिए 16 रुपये चार्ज लिया गया था, और किसी जोन में 24 रुपये चार्ज लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग के जोन में 16 रुपये चार्ज लिए गए थे। तो मेडिकल मेमो दे जाएगा किस किस रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल चल रहा है। जैसे कि हम लोगों का जो था उसमें गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में एक गोरखपुर में मेडिकल चल रहा था, लखनऊ मेडिकल चल रहा था, और यहाँ पे बरेली चल रहा, इज्जत नगर चल रहा था, तीन जगह सॉरी इज्जत नगर नहीं बनारस चल रहा था, तीन जगह मेडिकल चल रहे थे, वो बरा इज्जत नगर चार जगह मेडिकल चल रहे थे, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस और इज्जत नगर चार जगह मेडिकल चल रहे थे चार रेलवे हॉस्पिटल में। तो शाम के टाइम पर जिनका दूर है, जैसे इज्जत नगर वाले थे, उन सबों को सुबह बुला लिया गया था, और हम लोगों का कुछ लड़के थे जैसे बनारस दे दिया था, लखनऊ और गोरखपुर, इन सबों को शाम के टाइम में बुलाया गया था। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो अपना मेडिकल के ऊपर पूरा फुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों को, कि मैं कैसे कैसे मेडिकल हुआ, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, एंट्री लेने के बाद से सबसे पहले क्या प्रोसेस चेक किया गया, और उसमें भी अंदर का फोटो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सारा कुछ क्लिक किया हूं और फॉर्म भी क्लिक किया हूं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।